बहुत सारी खवातीन अभी देख भी रही होंगे आपके बारे में, तो आप लोग तो ईद वाले दिन भी आप ओपन करते हैं सलून स्पेशली? ईद वाले दिन कुछ ड्यूरेशन के लिए कि अगर किसी को आके खास तौर पे, क्योंकि ईद वाले दिन ज्यादा काम इतना होता नहीं है, कोई इतनी लंबी सर्विस के लिए नहीं आता है, जनरली सिर्फ ब्लो ड्राइज वगैरह के लिए आती है खवातीन, तो अगर वो उसके लिए उनको आना होता है, मेकअप के लिए भी इतना नहीं, ब्लो ड्राइज वगैरह के लिए ज्यादा होता है कि चलो लंच है कोई, यू नो ईद का लंच है तो फिर वो आ जाती है कोई ब्लो ड्राई कराने के लिए। लेकिन पिछले 2 सालों में तो मैं नहीं ओपन थी, जाहिर है कोविड की वजह से, तो अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं खोलूं ना खोलूं, आई एम नॉट श्योर। क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं जो ऑब्वियसली जो आपके पास अभी से, अगर डिमांड होगी तो फिर मैं खोलूंगी। बिल्कुल। फुटवेयर कैसा चल रहा है, सही है? फुटवेयर तो मैं नहीं, मैंने छोड़ दिया था कुछ अर्से पहले। हाँ, कपड़े भी मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि अब मैं सिर्फ मेरे अपने ब्रांड पे, जो मेरा मेकअप ब्रांड है उस पे काम कर रही हूँ, उस अपने ब्रांड को जो है वो आगे लेके जा रही हूँ, यू नो लाइक उसको एक्सपैंड करना है बेसिकली, नॉट जस्ट मेकअप लेकिन स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर। आ गए इसमें, एजाज भी आ गया, आयशा उमर भी आ गई, आप भी आ रही हैं, बिल्कुल, वसीम बदामी तो पहले से ही थे। हाँ, so ये एक लोकल इंडस्ट्री में ये इस तरह की चीजें जरा ज्यादा एकदम से होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, मैंने तो एक्चुअली शुरुआत की थी मेकअप के ब्रांड से, और उसके बाद फिर अब मैंने स्किन केयर किया, और स्किन केयर का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बिकॉज लोगों को जो है, अच्छा मेरी जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं बनी है, इवन दो कि मैं नेचुरल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है, उनकी क्या रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड है बेसिकली, जिसकी वजह से फिर मेरी जो स्किन केयर की रेंज है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने काम किया है, तो उसके अंदर यू नो लाइक कुछ ऐसे जैसे कि एसिड्स हो गए और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि मतलब नेचुरल बिल्कुल नहीं भी नहीं है स्किन के लिए, हार्मफुल नहीं है लेकिन रिजल्ट उनका अच्छा है। बिल्कुल हार्मफुल तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी स्किन को फायदा ही पहुंचाएंगे। एसिड सुन के ना लोग कहेंगे लो एसिड लगाए मुंह पे क्या होगा, नहीं लेकिन एसिड जैसे कि आप ग्लाइकोलिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, ये ऐसे एसिड्स हैं जो कि आप एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का नाम होता है बेसिकली, तो ये तो वो वाले एसिड्स हैं जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।